शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना वायरस की रोकथाम एवं जन जागृति करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। मनपा प्रशासन ने भी नागपुर में कोरोना वायरस को लेकर काफी अच्छा कामकाज भी किया है। हाल ही में नागपुर में लॉकडाउन के चलते शिथिलता भी प्रदान की गई थी, जिसके चलते कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आया। इस बात को ध्यान में रखते हुए मनपा आयुक्त ने फिर से एक बार लॉकडाउन जारी करने की बात कही। इन्हीं के बात के ऊपर में महापौर संदीप जोशी इन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कोरोना महामारी से दो हाथ करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है और इस दिशा में कामकाज भी कर रही है। तो वहीं नागपुर की यदि बात करें तो नागपुर शहर में भी प्रशासन द्वारा काफी अच्छा कामकाज हो रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए लॉकडाउन जारी किया गया था। लॉकडाउन जारी होते ही हर तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ रहता था, कोई भी कामकाज नहीं करता था। ऐसे में कई गरीब और जरूरतमंदों पर भूखे मरने की नौबत भी आ पड़ी थी। लॉकडाउन में शिथिलता जब से दी गई तब से लेकर अब तक के नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2283 का आंकड़ा पहुंच चुका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे इन्होंने फिर से एक बार नागपुर में लॉकडाउन करना होगा ये बात कही थी। उनके इस बात पर महापौर संदीप जोशी इन्होंने चुटकी लेते हुए ये कहा कि आपको यदि लॉकडाउन करना है तो आपको जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और पदाधिकारियों से बात करना होगा, क्योंकि उन गरीबों का क्या, उन जरूरतमंदों का क्या जो रोजी रोटी के लिए अपना जुगाड़ जमाते रहते हैं लेकिन उन्हें दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता। यदि लॉकडाउन हुआ तो लोगों का नुकसान हो सकता है, इसलिए मनपा आयुक्त फिर से ध्यान दे और मिलजुल कर काम करे, ऐसी बात महापौर संदीप जोशी इन्होंने कही है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। माननीय आयुक्त महोदय वक्तव्य मी वाचलं, ही गोष्ट खरी आहे की ज्या पद्धतीने नागरिक अनलॉक करण्याचा संपूर्ण गैरफायदा घेतात आहे त्यानुसार माननीय आयुक्तांचा कन्सर्न हा स्वाभाविक आहे। परंतु हे जरी असलं तरी या ठिकाणी लॉकडाऊन पुन्हा करायचं जर ठरवत असू तर सर्वसामान्य नागरिकाचं काय, त्या रिक्षेवाल्याचं काय, त्या ऑटोवाल्याचं काय, त्या मजुराचं काय, ज्याचं रोजचं पोट हे हातावरचं आहे त्याचं काय, याचा देखील विचार करणं अत्यंत गरजेचं आहे। आणि त्यामुळे लॉकडाऊन करण्यापूर्वी माझी त्यांना सूचना आहे की ते आणि मी आपण दोघेही जण शहरामध्ये येणारा आठवडाभर रोज 2 तास 3 तास 4 तास फिरूया, नागरिकांना आव्हान करू, जनतेला आव्हान करू, त्यांना म्हणू की आपण लॉकडाऊनचे नियम पाळा, आपण जे सांगितलेलं आहे सरकारने त्या पद्धतीने वागा, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल। कारण लॉकडाऊन हा अंतिम पर्याय नाही आहे आणि त्यानंतर जरी लोकांनी पाळलं नाही तर माझी त्यांना विनंती आहे, त्यांना सूचना आहे की या शहरातले सन्माननीय खासदार, या शहरातील आमदार, शहरातील पदाधिकारी महानगरपालिकेचे, शहराचे सन्माननीय पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करून हा लॉकडाऊनचा निर्णय घ्यावा। एक ओर शहर के प्रथम नागरिक संदीप जोशी तो दुसरी ओर मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे, ये दोनों अपने तरीके से कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शहर के उन जनता का क्या जो इन दोनों के बातों में अपना नुकसान ही कर रहे हैं और उनसे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। लोगों को भुखमरी की नौबत आ पड़ी है, लोगों के कामकाज बंद है, कोरोना कोरोना की जगह है लेकिन उसका पालन भी होते हुए नजर नहीं आता है। ईश्वर नागरिक पालन करे और कोरोना से मुक्त हो, यही समय की मांग है। नागपुर के सिविल कॉर्पोरेशन से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।